डेमोक्रेटिक लीडरशिप। हम केवल लीडरशिप के लिए यहां नहीं आए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, तो जो लोग डायवर्सिटी को एक्नॉलेज कर सकते हैं वो डेमोक्रेटिक लीडर बनते हैं। समाज की विविधता को अपनाकर उसको नेतृत्व देना, ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। नहीं तो लीडरशिप तो हिटलर ने भी दी थी, किंतु वो मानते थे कि एक कौम है कि जिस कौम में केवल जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, राज करने का अधिकार है, दैट इज नॉट लीडरशिप। और दूसरी लीडरशिप जिसका उल्लेख विनय जी ने किया वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी लीडरशिप में डाइवर्सिटी को पहचाना, और ये सारे डाइवर्स लोग जिनमें से कई छोटे छोटे तबके से आते थे, जिनके अलग अलग प्रोफेशन थे, इनमें से कोई भी अपने आप में लीडर नहीं था, इनमें से किसी ने यह विचार नहीं किया था कि मैं देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं स्वराज के लिए कुछ कर सकता हूं, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको प्रेरित किया, उनका पौरुष जागृत किया और वो सामान्य लोग असामान्य बने, और ये सारे लोगों ने मिलकर स्वराज की एक ऐसी सेना तैयार की कि जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार मुगल बादशाह ने अपने लोगों को पूछा कि मेरे पास तो अलग अलग देशों के सारे लड़ाके, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, सब जगह के लोग मेरे पास है, ईरान, और सारे प्रोफेशनल लड़ाके हैं, फिर भी ये शिवाजी महाराज में क्या बात है भाई, ये 5,000 लोग लेकर आते हैं और हमारे 50,000 की फौज उनके सामने हार मानती है। तो उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावले हैं, जो सैनिक है, ये वेतन के लिए नहीं लड़ते, आपके जितने आपने सारे सेनापति अलग अलग देशों से लाए हैं, इनके लड़ने की प्रेरणा क्या है, इनके लड़ने की प्रेरणा वेतन है, इनके लड़ने की प्रेरणा लूट है, इनके लड़ने की प्रेरणा भोग है। और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन लोगों में ऐसा पौरुष जागृत किया है कि वो ईश्वर के लिए, धर्म के लिए और स्वराज्य के लिए लड़ते हैं, इसलिए वो वेतन के लिए नहीं लड़ते। और जब प्रेरणा लेकर वो लड़ते हैं तो वो प्रेरणा उनको हमारे से अच्छा लड़ाका बनाती है और उसके कारण हमारे ऊपर वो विजय पाते हैं।